आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ सुपर क्रिस्पी पोटैटो बॉल की रेसिपी, रमज़ान स्पेशल। आज जो मैं ना आपको बनाकर दिखाऊंगी तो एयर फ्रायर में बनाकर दिखाऊंगी। पोटैटो बॉल जो हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आशीन फूड क्लब चैनल पर। मैं हूँ यास्मीन निगत। मैंने जो है यहाँ पर 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू जो है बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए थे, मैंने इनका छिलका उतार दिया है। 2 हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 चम्मच भर के लिए हैं चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच जो है हमने वाइट नमक लिया है। नमक और मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू को जो है मैशर से मैंने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। पोटैटो बॉल बनाने के लिए जो है आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। सारे मसालों को जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है आलू के अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च और हरा धनिया भी हम यहीं पर डालेंगे। सभी सामान डालने के बाद जो है इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 चम्मच भर के डालूंगी मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, नहीं तो आप इसके अंदर 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो आप जो है इसके अंदर 2 चम्मच अरारोट भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर रिफाइंड ऑयल। सभी सामान डालने के बाद जो है मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों पे जो है मैंने हल्का हल्का सा ऑयल लगा रखा है जिससे कि आलू हथेली पे चिपके नहीं। छोटी छोटी सी बॉल लेंगे, इन्हें हम जो है इस तरीके से बहुत ही अच्छे से गोल कर लेंगे। अच्छे से गोल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, फटेंगी नहीं। इस तरीके की बिल्कुल गोल हो जानी चाहिए बॉल। सारी बॉल हमें इतने बड़े बड़े साइज़ की बनाकर तैयार करनी है। पोटैटो बॉल की वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैंने जो है सभी बॉल के ऊपर जो है हल्का हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा दिया है और पलटने के बाद भी इनको हम हल्का हल्का सा इनके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। एयर फ्रायर को जो है मैंने ऑन कर लिया है, इसे 185 पर जो है सेट कर लिया है। सभी पोटैटो बॉल को जो है हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। जाली को मैंने पहले से ही हल्का सा चिकना कर रखा है। जाली को अगर हम हल्का सा चिकना कर लेते हैं तो बॉल इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकती। सारी बॉल जो है मैंने बिल्कुल इसी तरीके से लगा ली हैं। फ्रायर के अंदर जो है हम कम से कम 20 से 22 मिनट का टाइम लगाएंगे। 20 से 22 मिनट में जो है काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। 10 मिनट बाद जो है मैंने इसे चेक कर लिया है निकाल कर, अभी जो है थोड़े लाइट कलर के हैं। एक बार और इन्हें हम 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए 20 से 21 मिनट में जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। खाने में जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। एक पीस जो है मैं आपको चेक कराऊँगी। देखिए ये जो है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। कलर माशाल्लाह इनका एकदम परफेक्ट आया है। रमज़ान शरीफ में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना हमारे तरीके से। फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। क्रिस्पी पोटैटो बॉल की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।